सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OneUI 3.1.1 अपडेट के बारे में। अपडेट है वो यहाँ पर अब रिप्लेस हो चुका है OneUI 3.5 अपडेट से OneUI 3.1.1 अपडेट। सो आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा और कौन कौन से डिवाइस जिनके अंदर आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कब तक आपको ये जो अपडेट है वो इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन कौन से फीचर मिलेंगे इसी अपडेट के बारे में। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो अगर आप लोग एक सैमसंग डिवाइस के यूजर हैं सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको सैमसंग का एक अलग से ग्रुप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ सकते हो और मैं वहाँ पर आपको अपने आंसर है वो यहाँ पर दे दूंगा। और उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। सो यहाँ पर गाइज अगर हम बात करें इस अपडेट के बारे में, सो आपको जैसा कि पता है कि ये जो अपडेट है वो अब यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है जिसका वर्जन नंबर आपको 3.1.1 अपडेट का यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सैमसंग की हिस्ट्री के बारे में, सो पहले इस तरीके के वर्जन नंबर है वो आपको सैमसंग के अपडेट के अंदर कभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले। शायद से ये जो अपडेट है वो यहाँ पर इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि अब यहाँ पर फीचर है वो इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे OneUI 3.1.1 अपडेट के अंदर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर आपको सिंपली बग है वो यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे, जो कि आपको OneUI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिले थे। आप लोगों ने डिवाइस जब भी यहाँ पर परचेज किया था उसकी परफॉर्मेंस है वो आपको एकदम कमाल की यहाँ पर देखने को मिलती थी और बैटरी ड्रेन का जो इश्यू है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन OneUI 3.0 अपडेट आने के बाद में या फिर OneUI 3.1 अपडेट आने के बाद में थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेनिंग का जो इश्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, सो वो अब यहाँ पर फिक्स किया जाएगा और फोन को यहाँ पर कंपेटेबल किया जाएगा ताकि उसके अंदर आपको OneUI 4.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सके। सो अगर हम बात करें फीचर के बारे में, सो कंप्लीट मैंने एक वीडियो है वो यहाँ पर बना के रखी है OneUI 3.5 के फीचर के बारे में। सो उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन प्रेस करके देखने को मिल जाएगी, सो जरूर से यहाँ पर वॉच कर लेना। सो अगर हम बात करें गाइस आपको कौन कौन से डिवाइस है जिनके अंदर आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, सो मैं आपको फिर से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो डिवाइस OneUI 3.5 के लिए एलिजिबल थे वही आपको OneUI 3.1.1 अपडेट के लिए भी एलिजिबल है। सो उस वीडियो की भी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन प्रेस करके देखने को मिल जाएगी, उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से यहाँ पर वीडियो बना दूंगा कि आपको OneUI 3.1.1 का जो अपडेट है उसके लिए कौन कौन से डिवाइस है जो कि यहाँ पर एलिजिबल है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी न्यूज है जो कि यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।